पाक अधिकृत कश्मीर में पिछले 16 सालों से भारतीय सेना द्वारा जमीन का किराया दिए जाने का मामला सामने आया है। इस अजीबोगरीब घोटाले को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नौशेरा के पटवारी दर्शन कुमार और तत्कालीन सब डिविजनल स्टेट ऑफिसर आरएस चंद्रवंशी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 2000 में साजिश रची थी। सीबीआई की माने तो जांच में पता चला है कि यह जिस 122 कैनाल जमीन का मामला है वह जमीन 1969 से 1970 के जमाबंदी रजिस्टर के मुताबिक पाकिस्तान के मकबूजा में है, लेकिन डिफेंस एस्टेट की ओर से उसका किराया दिया जा रहा है। जांच में सामने आया कि सब डिविजनल एस्टेट ऑफिसर आरएस चंद्रवंशी, पटवारी दर्शन कुमार ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज के जरिए पीओके की इस जमीन पर सेना की ओर से किराया दिए जाने की बात दिखाई हुई थी। ऐसा कर इन लोगों ने सेना द्वारा जमीन के किराए के तौर पर 4,99,000 रुपए जारी किए हैं। सीबीआई की माने तो इस साजिश के चलते भारत सरकार के राजस्व को 6 लाख रुपए का चूना लगा है। वाकई सेना से धोखाधड़ी का यह मामला अजीबोगरीब है। फिलहाल सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इन प्लाटों के लिए दिया जाने वाला किराया किसकी जेब में जाता था और इन जमीनों को किराए पर किसके कहने पर लिया गया था। देखते रहिए डीबी लाइव।